कल ही मेरी बात हुई, जो आप सबको पता है नहीं, सेंट सीएस आया था और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एक महीने भर पहले एक प्रेजेंटेशन दिया और वो प्रेजेंटेशन ये था कि राइस स्ट्रॉ से उन्होंने बायो बिटुमिन बनाया और ऑर्गेनिक कार्बन बनाया। अब ऑर्गेनिक कार्बन 30% निकलता है और बायो बिटुमिन 70% बनता। तो मैंने तुरंत जब इंडियन ऑयल के जो वैद्य थे चेयरमैन को कहा कि तुम्हारा पूरा बिटुमिन मैं खरीदी करूंगा, क्योंकि देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है और हमारे देश में 50 लाख टन तैयार होता है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। ये पूरा हरियाणा, पंजाब और ये उत्तर प्रदेश की सीमा में जो परली जलाते हैं जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो सीएसआर ने एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट तैयार किया और आज ही मैं आया और उनने मुझे ऑर्गेनिक कार्बन जो था वो इतना पैकेज दिया, मैं आपको भी देता हूँ, आप भी प्रयोग करते हैं। अभी ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, जो किसानों में काम करते उनको पता होगा कि जहाँ जमीन में 0.20 ऑर्गेनिक कार्बन होता है वहाँ गन्ना एक एकड़ में 35 टन होता है और जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 के ऊपर जाता है तो गन्ना जो होता है वो 100 टन होता है। अभी कोल्हापुर, सांगली, सतारा, ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का बेल्ट है हमारे महाराष्ट्र का, वहाँ 100 टन 125 टन 150 टन तक लोग पहुँचे हैं और 2500 रुपये टन का भाव पकड़ लो आप तो 100 टन में कितना 2.5 लाख रुपये एकड़ में हुआ और 70-80 हज़ार रुपये खर्चा गया तो एकड़ प्रॉफिट जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा है। तो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये उन्होंने तैयार किया। आज ही मुझे साइंटिस्ट आए थे सीएसआर के और उन्होंने मुझे ऑर्गेनिक कार्बन ला कर दिया। मैं अभी नागपुर जाके मेरे भी खेती में और बाकी जगह प्रयोग करने वाला हूँ। तो ये परली से बना है, राइस स्ट्रॉ से, विच इज़ ए वेस्ट मटेरियल। तो इससे रोड भी बन सकते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन से किसानों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, जैसे पूरे वेस्टर्न यूपी में गन्ना है, और ऑर्गेनिक कार्बन अगर कंपोस्ट में डालकर अगर दे देंगे तो उसके कारण उसके उत्पादकता दुगनी और तिगनी हो जाएगी। इतना ऑर्गेनिक कार्बन जो एग्रीकल्चर को जानते हैं वो समझ सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका कोई माध्यम नहीं है और माध्यम इसका अगर कोई है तो ये आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये बात अलग है कि कौन सी पार्टी है, कौन नेता क्या कह रहा है, अभी लोगों में भी इसमें ज़्यादा रुचि नहीं है। आप कितनी भी चर्चा करो, लोग अब नया चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं और यंग टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स है वो नॉलेज के इनोवेशन के पक्ष में ज़्यादा है। तो मीडिया का उपयोग करके जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें नॉलेज एज ए पावर, टेक्नोलॉजी एज ए पावर फॉर द यानी समाज के जो सबसे पीछे, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया पंडू का ब्रिज पर मैं गया था, वहाँ परली बहुत होती है, जमीन अच्छी है पर गरीबी है। अगर वो राइस स्ट्रॉ को जला देते, अगर वो ऑर्गेनिक कार्बन बनाएंगे तो पूरे देश में ऑर्गेनिक, अभी इतना अच्छा उपाय हुआ है कि हमने ड्रोन तैयार किए और मैं ड्रोन तैयार करने में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लेक्स इंजन पर ड्रोन तैयार हो।